अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं हमारी स्टाइल में मटन कापसा राइस। तो इसके लिए हमने लिए ये 5 मीडियम साइज के कप बासमती राइस। इसे भिगा दिया हमने और हमने लिया है 600 ग्राम मटन हड्डी वाला और बोनलेस मिक्स लिया है। और हमें मसालों में चाहिए सॉल्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, अजीनो, रेड चिल्ली पाउडर, धाना जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, चाट मसाला, रेड कलर, रेड चिल्ली पाउडर और टर्मरिक। और हमें चाहिए जिंजर गार्लिक पेस्ट, अजीनो, रेड चिल्ली, धाना जीरा पाउडर और सॉल्ट। और हमें चाहिए मीडियम साइज की प्याज, इसे हमने ऐसे कट कर लिए। लंबी मिर्ची, इसे ऐसे कट कर लेंगे। ये हमने लीली प्याज का वाइट भाग ऐसे लंबा लंबा कट कर लिया है। ऑयल, टोमेटो, रेड चिल्ली सॉस, ग्रीन चिल्ली सॉस, कोरिएंडर, टोमेटो, इसे भी ऐसे लंबे लंबे शेप में कट कर लेंगे। और कैप्सिकम भी ऐसे कट कर लेंगे। और हमें चाहिए थोड़ा सा सोया सॉस, कैबेज, ग्रीन ऑनियन। और हमें गार्निश के लिए लिया है काकड़ी, कैरेट और अंडे। अंडे को बॉईल कर लेंगे, काकड़ी को कट कर लेंगे और कैरेट को भी कट कर लेंगे। बस इतने ही इंग्रेडिएंट्स में हम हमारी स्टाइल में बनाएंगे मटन कापसा राइस। अभी हमने ले लिया है एक प्रेशर कुकर, इसमें हम डाल देंगे हमारा मटन और मसाले जो हमने आपको इंग्रेडिएंट्स में एकदम अच्छे से बता दिए। और डाल देंगे आधा ग्लास पानी और डाल देंगे एक लेमन। हाथ की मदद से इसके बीज निकाल लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे कवर कर रख देंगे। 3 से 4 सीटी में हमारा गोश्त टेंडर हो जाएगा। इसे कवर कर ले और मटन को अच्छे से टेंडर कर ले। चलो अभी हमारा मटन भी टेंडर हो चुका है, बॉईल भी, एग भी बॉईल हो चुके हैं, राइस भी बॉईल हो चुके हैं। अब हम ले लेंगे एक पैन, इसमें डाल देंगे हम ऑयल, फिर डाल देंगे प्याज, अभी हम आधी ही डालेंगे। इसे अच्छे से लंबे लंबे में हमें कट कर लेंगे। अभी ऑनियन को हम बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। देखो अब अभी आप देख सकते हो कि हमारी प्याज हल्की सी लाइट ब्राउन कलर की हो चुकी है। हमें बहुत ज़्यादा बिरयानी की जैसी ब्राउन नहीं करनी है। अब हम डाल देंगे थोड़ा सा ही अदरक लहसुन का पेस्ट, क्योंकि हमने गोश्त में अच्छे से डाल दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब डाल देंगे हम टोमेटो जो हमने लंबे लंबे में कट कर लिया है, ग्रीन चिल्ली। सब चीज़ आपको लंबी ही कट करनी है और सब चीज़ थोड़ी थोड़ी ही राइस में डालेंगे। हम थोड़ा सा गोश्त की ग्रेवी में डालेंगे। अभी इसे अच्छे से फ्राई होने। अभी हम डाल देंगे थोड़ी सी डब्बा मिर्ची, थोड़ा सा कैबेज और ग्रीन ऑनियन, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें डाल देंगे रेड चिल्ली पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, अजीनो और नमक, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और डाल देंगे रेड चिल्ली सॉस, टोमेटो सॉस, ग्रीन चिल्ली सॉस, सब चीज़ हमें थोड़ा थोड़ा सा ही डालना है और थोड़ा सा सोया सॉस। अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें डाल देंगे राइस जो हमने बॉईल कर ड्रेन कर लिए। और डाल देंगे हम कोथमीर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखो अभी आप देख सकते हो कि हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे एक साइड पे रख देंगे। अब ये ले लेंगे मटन जो हमने टेंडर किया था। अब इसे एक फ्राई पैन में सारा मटन निकाल कर फ्राई कर लेंगे। अभी हम ये गैस पर ले लेते हैं फ्राई पैन को, और जो हमने ये मटन टेंडर किया था इसमें से एक एक मटन उठाकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखो अभी आप देख सकते हो कि हमने अंदर से सारी बोटियां निकाल कर फ्राई करने रख दी है। अभी इसको एक साइड पे ही रखें, अभी हम आपको बाद में बताएंगे इसका क्या करना है।
अभी इसे अच्छे से फ्राई कर लें। देखो अभी आप देख सकते हो कि हमारा मटन अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम ले लेंगे एक बड़ा सा पैन, इसमें हमारा सारा मटन निकाल लेंगे और फिर डाल देंगे कैबेज, ऑनियन, लंबी मिर्ची, कैप्सिकम और टमाटे जो हमने अच्छे से सब लंबे लंबे में कट कर लिए। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। डाल देंगे ग्रीन ऑनियन और ग्रीन ऑनियन के ऊपर का ये सफ़ेद भाग भी हमने कट कर लिया है। अभी हम इसको लो फ्लेम पर रख देंगे ताकि हमारी सारी सब्जी सॉफ्ट हो जाए। अब जो ये हमने मटन का मसाला बचा है उसमें डाल देंगे टोमेटो सॉस, रेड चिल्ली सॉस, ग्रीन चिल्ली सॉस और सोया सॉस और डाल देंगे थोड़ा सा सोया सॉस। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये जो हमने रेडी किया था वो इसमें डाल देंगे और इसे कवर कर 5 मिनट स्लो फ्लेम पर रख देंगे। हो कि हमारी मटन की ग्रेवी बन चुकी है कापसा राइस की और राइस भी रेडी है। अब हम आपको प्लेट सर्व करके बताएंगे, डिश आउट कर। अभी आप देख सकते हो कि हमने बड़ी सी डिश ले ली है, उसमें राइस डाल चुके हैं हमने और अब हम डाल देंगे हमारा मटन अच्छे से फैला के। अब हम अंडे रख देंगे एक साइड पे। देखो आप देख सकते हो कि हम इसे कैसे गार्निश कर रहे हैं। और रख देंगे काकड़ी और गाजर। देखो अभी हमारी पूरी ट्रे गार्निश हो चुकी है काकड़ी, कैरेट और बेदे से। तो आपको ये रेसिपी हमारी कैसी लगी मटन कापसा राइस की, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक अच्छी वीडियो लेकर, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मटन कापसा राइस।